शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रावासों में विगत 25 से 30 वर्षों से सफाई का कार्य कर रहे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 2500 रुपए है, जो वर्ष में 10 माह दिया जाता है एवं मई जून का वेतन नहीं दिया जाता। इतने कम वेतन में एवं महंगाई के दौर में इन कर्मचारियों के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण पूरे परिवार को भूखे मरने की समस्या से जूझना पड़ता है। कई बार संगठन द्वारा इन कर्मचारियों की समस्या के संबंध में मांग की गई, परंतु शासन द्वारा इन अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके द्वारा सफाई स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, परंतु देश को स्वच्छ रखने वाली सफाई कर्मचारियों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे इन कर्मचारियों के प्रति संगठन को असंतोष एवं रोष व्याप्त है। ज्ञापन की मांग की गई है कि आदिम जाति कल्याण विभाग व शिक्षा विभाग के छात्रावासों में अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को पुनर्कालीन कलेक्टर दर का वेतन दिया जाए, साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में गजेंद्र बहुत जिला अध्यक्ष, हजाक्स चंद्रभुवन चंद्रभान, रोहित तहसील अध्यक्ष सागर, प्रदीप अहिरवार, राजू, मनीष देवरी, सचिन एवं अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष अध्यक्ष सागर, किस बात को लेकर आप लोग आज कलेक्टेड हैं? आदिम जाति कल्याण विभाग में अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को 2500 रुपये प्रति माह का दिया जाता है, जो कि इनको एक वर्ष की ना देकर 10 माह का वेतन दिया जाता है। इन्हीं मांगों को लेकर हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अपनी मांग पत्र दिया है, जिनमें इनको कलेक्टर दर का वेतन दिया जाए, पूरे एक वर्ष का वेतन दिया जाए, बीमा जो होता है उसका भी लाभ दिया जाए, साप्ताहिक जो अवकाश रहता है उसका भी लाभ दिया। ऐसी अन्य कई मांगे हैं जिन्होंने हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इनका निराकरण करने की। क्या इसके पहले भी आप लोगों ने आवेदन दिया है? करीब अप्रैल में दिया था हमने, इस बार फिर हमने स्मरण पत्र दिया है। अब अगर ये हमारी एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर हमारी मांगें पूर्ण नहीं होंगी तो हम भोपाल में हम पूरा संगठन और हमारे अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं उनका पूरा धरना देगा और ज्ञापन।